ना है। अब हमारे भगिन माँ छोड़ देखो कि लागले तो नहीं जोतेंगे हम भाई। अब घर ला के ट्रैक्टर हिला के जोत देखो घर रख ला के घर में आए खाली लाठी पर लेके गेलो रोके सब के गोलिया से मार देखो बापा पाचो छो के लोटा देखो गोलिया से मार के। अच्छा ये बताइए कि सब गांव के भी लोग थे कि मारने वाले बाहर से भी लोग ना? सब बाहरी सब बाहर से बाहर से आए लोग कारमू बिघा के है को ने सुंदर करने के ने एक बथानी बिघा पर के सब दू गो पकड़ा के गेलो है थाना माने। अच्छा आओ कोई ना हरो खानिए भागलो है बापा गामा के कोई ना गोलो हो गए माइया। तो आप लोग अब क्या चाहते हैं कैसा सजा मिलना चाहिए उन लोगों को? अगे ऐसा दौर से फौत कर दा हमर बाबू जरे। हां उनको धो हमर बाबू जरे फौत कर दा ओरा खूनवा के धरवा देखो तो भागले है गोरा वाले तीन गो गोलिया चक्कर गो आ खूनवा के धरवा हूं आहे को। कितना दिन से लड़ाई चल रहा था जमीन का? अगे ढेर दिन से लड़ाईया चला हो तू गो मैया के हालो भयवा बाबूजी कल को हाल दू गो भी हवा का पानी घर से ये दिन भांसा छोड़ा हालो आई घर से तीन गो ई भाईवान हालो तक हम कानी गेलो कि सरदार बा भाईवा बड़का है को तक कि हमरा नतीजा नकार तो गे माइया। आगे हमर बाबू का कह कि छोड़ कै नखनी बाबा ना कैल के तब पोतावन का कह कि हमर हिसाब जोता भाई गे माइया। अब वह जाते उ खेतवा जोता लो हमर बाबू ना जोता लो चरहो बटैया करके खहलो मद्रास कमा के खहलो आई छा पूरा खेत में जोता लो कईयो बरसरी जोत के और उपजा के अगर ला रहा के खड़ाई को। कितना दिन से दोनों में विवाद चल रहा था? ढेर लगा 15-20 साल से आगे ऐसा बढ़ावा ना होलो हल मैया कहनो हमारे। तो गांव में 15 साल से विवाद चल रहा था जो खेत का मामला था वो कोर्ट में मामला चल रहा था मामला लंबित था जिसके कारण जो है यहाँ पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही थी क्योंकि न्यायालय के आदेश पर ही कोई काम होना था और यहाँ पर खेत में जो था 144 लगा दिया गया था जिसके कारण किसी भी पक्ष के लोग खेत पर नहीं जा रहे थे। लेकिन कल अचानक प्लांट में कुछ लोग वहाँ बाहरी लोगों को बुलाकर खेत में गए थे ताकि जब खेत जुताई का काम हो तो दूसरे पक्ष के लोग वहाँ पहुँचे और उसके बाद आसानी से उनकी हत्या की जा सकी। इसी षडयंत्र के तहत जो है तकरीबन 50 लोगों को बुलाया गया था और सभी के पास अपने हथियार बंद लोग नए थे और लोग पहले से तैयारी में थे। जैसे ही दूसरे पक्ष के लोग वहाँ पहुँचते हैं और इन लोगों को रोकने का प्रयास करता है उसी दौरान गोलीबारी होती है और गोलीबारी के दौरान तकरीबन 10 लोगों को गोली लगती है। ये जो हम तस्वीर दिखला रहे हैं वो उसी घर की तस्वीर दिखला रहे हैं जहाँ के लोगों को मौत हुई है। कल यहाँ पर चारों तरफ लाशें ही लाशें दिखाई दे रही थी, लोग चित्कार रहे थे, लोगों में अफरा तफरी का माहौल था। लेकिन आज यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ क्योंकि जो भी लोग थे वो सभी लोग जो है वहाँ से गुजर चुके थे और वहाँ पर जानना चाहेंगे और भी लोग वहाँ पर है क्या स्थिति है अभिभावकों की, अभी क्या स्थिति है गाँव में? अच्छा ये बताइए कि जब गोली चल रहा था तो लोग पुलिस को भी सूचना दिए थे? अच्छा एक मिनट आप बताइए कि जिस समय लड़ाई हो रहा था तो उस समय थाना को सूचना दिया गया था? हाँ सर उनको सूचना भी दिया गया था। अच्छा वो बोला कि 24 घंटा 24 घंटा के बाद है कुछ कर सकते हैं उन लोग पैसा खेले था। अच्छा पैसा 1,24,000 रुपये था। कौन दिया था 1,24,000? बैठक किया दिया था। अच्छा प्रशासन आने के लिए नहीं बोला कहीं हम नहीं जा सकते हैं पाँचों मटर हो गया उसके बाद देरी के बाद। अच्छा तो मैंने यहाँ से फोन किया गया था फोन ये बजे किए थे दोनों से ही लोग फोन करते हैं कि हमको खेत का दफा ऐसे कर जोते हैं तो उधर से बोले कि हमको जाना नहीं है। 9 बजे से खेत जोतना शुरू किया? हाँ 9 बजे से खेत 4-5 बजे उधर जोते जाते रहे इधर तो कल में उसके बाद भी कोई 5-4 बजे आए हैं आप लोग सूचना दिए तो क्या पुलिस बोली थी? पुलिस बोला कि अभी नहीं जाएंगे। अच्छा 24 घंटा के बाद जाएंगे एक मतलब रुपया खेले था 24 घंटा 24,000 24 घंटा के लिए हाँ 24 घंटा के लिए। कितना बजे से यहाँ पर गोली चलना शुरू हुआ था? यहाँ 9 बजे हमको ही फोन करा 9 बजे से 12 बजे गोली चली 9 बजे हार गिर गया था। अच्छा अब 12 बजे तो बाबू के हम लौट आए देर को मारे। तो ये हैं उन परिवार के सदस्य जिनके लोगों की मौतें हुई है अभी भी लोग सदमे में हैं। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि लोग थानों को सूचना दिए थे लेकिन पुलिस नहीं आई थी, पुलिस मौत का इंतजार कर रही थी। गांव में तकरीबन 9 बजे से ही माहौल खराब होने लगा था। हाँ पेट्रोलिंग देखा था आज तो है ना हमारे गिरे तो है बप्पा
हनुमान अलो हम सब लहासवा गिर गए पाँच गो तीन गो इघावा के दो गो इघावा के पाँच गो लहासवा। अच्छा, आप लोग कितना कितना परिवार है यहाँ पर आप लोग? आगे हमें बहुत परिवार है। अब कोई मर्द नहीं मर्द कोई नहीं बचा दो गो घर में है कौ घर में ये कौन हम पाए घर में कर बेटियन है कौ नाइया अब हाथ तो यहाँ पर नरसंहार की घटना को अंजाम दिया गया था। इस घर में अभी दो छोटे छोटे बच्चे ही बचे हैं। इसके अलावा जो बगल का घर है और यहाँ पर भी कोई मर्द नहीं बचे हैं, जिसके कारण यहाँ पर सिर्फ महिलाएं ही दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग क्या के साथ अब कौन खेता है? पाँच गो बेटिया है कई गो बेटो रहते हलता ओके जिंदगी ढोते हलगे मैया हमारा संसार जाति है छावन के कि हमार जिंदगी बाबू नियन हमारो खनियो चौरी कुहाक तो जय संसद वादी पीड़ित परिवार का एक ही मांग है कि अब उन लोग को ऐसी सजा मिले जिससे देखने वाले लोगों का रूह भी कांप जाए, क्योंकि इनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। न कोई केस मुकदमा देखने वाले लोग बचे है और न ही कोई खिलाने पिलाने बचे है। उनका कहना के लोग मेहनत मजदूरी करके अपने बाल बच्चों को भरण पोषण कर रहे थे इस उम्मीद में कि कल दिन कोर्ट का फैसला आएगा और जमीन इनके हाथ में मिलेगा, लेकिन जमीन भी नहीं मिला और इनका पूरा परिवार भी खत्म हो गया, जिसके कारण लोगों में काफी मायूसी देखी जा रही है। कौन आ रहा राष्ट्रीय काटो कैसा? अच्छा ये बताइए, स्थिर रहिए, कितना दिन से जमीन की लड़ाई है? 15 साल से था। 15 साल से अच्छा, कई गो बाल बच्चा है आपका? हमारा 5 गो पाँच गो बेटी है। टंकी किसका है? अगर हमारे खेतवा में बनाई को है बेच के खाने चैत में फसल है काट लो आ दोनों जन बाबू लिखा लो कि आप नया बिया नहीं बोलो जोते अलो बाबू ने हमें माना करे गेलो अब बाबू के हमें लौटा दे सारे को छे कुनियो ना ले ले हेलो हाथवा में बाबू ने हमें दावा से गेलो पांच छे से बाहरी बोलाम ना करते चलिए गेलियो सारे यहां से लोग कहना कि जो भी लोग गए थे निहत्ता थे, लोग खेत को देखने के लिए गए थे क्योंकि वो जानते सार हम खाई यही चाहियो सार का काम किया जा रहा है। और जैसे ही ये लोग गोलियों की टकराहट शुरू हो गई और एक साथ करके 5 लोगों की लाश बिछा दी गई और उसके बाद गाँव से 3 लोगों को भर्ती कराया गया था। आपको हम दिखलाएंगे वो तस्वीर, आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी महिलाएं हैं किसकी के मांग में सिंदूर दिखाई नहीं दे रहा है और यहाँ का माहौल आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर ताड़ित है। बोलिए क्या बोला? एक बात सर, हमें तो आदमी मारिए गेली मछली ने सर, बाकी हमें खेत के फैसला दे दा सर, हमें खेत के फैसला दे दा, हमें बाबू के खेतवा के फैसला दे दा सर, और बाबू के हमें बाबू ने खानियों को लौटा दा, हमें खेत के फैसला में बाबू तो चल गलो बाकी खेत के फैसला दे के दी है सर, एकदम खेत के फैसला दे दा कन्ने कमाई तो कन्ने खाई तो अब हमारे बाबू हम चल गए ताकि यहाँ जो 5 बच्ची हैं और भी जो घर के परिवार है उनको तो हाथ मिल सके।